अन्य मार्ग से नहीं, यह भगवान शिव का ही कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ भार, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर और महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंद, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करके शतरुद्र स्त्रोत का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने भगवान शिव की पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही उचित करना है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति रूपा माँ देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिणा दिशा में ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनीश्वरों, भगवान शिव का पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शंकर शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह हमें बताइए। साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, मुनियों, आप भगवान शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको शतशः धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बता रहा हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है वह भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है। वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्राह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए भगवान शिव के नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिससे भगवान शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय होता है, ऐसा कहा जाता है।
भगवान शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पादरशलिंग में पशाण रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्मय लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्या का भक्षण कर ले, सिर पर धारण कर ले, उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग, स्वयं होलिंग, इन सब लिंगों में तथा भगवान शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान शिव के नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और आग्राहा, यह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र है, ग्राह के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्राह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रख कर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान पूर्वक और आदर पूर्वक होकर बिल्व पत्र का महत्व सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है, तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही भगवान शिव के पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ों के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ें परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ों के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से ही संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उनके नए पल्व उतारता है और उस बिल्व की पूजा करता है, जब वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ों के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ों के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है, वह भी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रावृत पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि हनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदक करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट से विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें।
निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूत